आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 69 में, जो कि वृंदावन क्षेत्र में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 69 के कांग्रेस पार्टी से पार्षद घनश्याम चौधरी। हाँ जी घनश्याम चौधरी जी, प्रदेश खबर मथुरा लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप कॉरिडोर को लेकर जो फैसला आया है कोर्ट का? न्यायालय ने एक आदेश दिया है, मंदिर परिसर के बाद जो भी अतिक्रमण है उसे हटना चाहिए। जो भी पर जो गरीब तबके के लोग मकान जो भी है उनको सुनियोजित मुआवजा मिलना चाहिए, और जो मंदिर परिसर में उनको दुकान मिलनी चाहिए। और मेरा कहना है जो पुराने ब्रजवासी हैं आप तो इसी बार से पार्षद चुने गए हैं, और आपका सबसे बड़ा आप सौभाग्यशाली हैं, बाकी बिहारी जी का मंदिर आप ही के वार्ड में आता है, आप उसके क्षेत्र के राजा हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे पंडा पुजारियों को लेकर? देखिए मंदिर परिसर में तो न्यायालय ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, मंदिर परिसर के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है, ये साफ स्पष्ट रूप से बोला गया है। पर मंदिर क्षेत्र से बाहर जो भी है उनके लिए उचित मुआवजा प्लस उनकी जो दुकानें जाएंगी वो मंदिर के जो कॉरिडोर के अंदर आएगा पर उसे कविता कॉरिडोर से मिलेगी। जो दर्शनार्थी आएंगे उनको आने जाने में जो मंदिर के अंदर जो कई घटना घटी है उसे रियायत मिलेगी। आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? देखिए मेरा पक्ष और विपक्ष दोनों में थोड़ा सा अंतर मतभेद है। पक्ष ये है जो दर्शनार्थी आएंगे उनको सुविधा मिलेगी, जो पुराने ब्रजवासी हैं उनको थोड़ा कष्ट होगा क्योंकि उनका जीवन यहाँ बीत गया है, जो उनके पीढ़ी पर पीढ़ी जा रही है। आज मेरा ही मकान है, मेरा ही मैं मंदिर पर रहता हूँ, 150 साल पुराना मेरा मंदिर है। क्या आपका निवास बिहारी जी मंदिर पर ही है? हाँ मेरा निवास जस्ट बिहारी जी के जस्ट बैक में ही है, उस कॉरिडोर की सीमा में मेरा मकान आता है। क्या आपका भी मकान टूटने के आदेश है? देखिए आदेश अभी मेरे को कोई नोटिस या इंक्वायरी नहीं हुई है, मेरे दो मकान कॉरिडोर के बैठ चढ़ने वाले मुझे इतना लग रहा है। आप सब देख रहे हैं प्रदेश खबर चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छी बात कही वृंदावन के पार्षद जो कि घनश्याम चौधरी हैं, इन्होंने कहा है कि मेरे भी जो दो घर हैं वो भी कॉरिडोर की भेंट चढ़ने वाले हैं। तो जनता की सुविधा को देखकर पार्षद घनश्याम चौधरी ने बहुत ही अच्छी बात कही। आप सब देख रहे हैं प्रदेश खबर चैनल के माध्यम से, राहुल शर्मा की रिपोर्ट वृंदावन वार्ड नंबर 69 से।